अब तक हमने देखा चार्ज, चार्ज की डेफिनेशन, एक्सिस और एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, यूनिट्स ऑफ चार्ज कूलाम, सेट कूलाम, एप कूलाम, एंड द रिलेशन बिटवीन वन कूलाम इज इक्वल टू 3×10⁻⁹, स्टेट कूलाम इज इक्वल टू 1/10 एप कूलाम। इसके बाद हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वो कितना होता है, माइनस नेचर के साथ 1.6×10⁻¹ कूलाम, प्रोटॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्लस के साथ 1.6×10⁻¹ कूलाम, न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल चार्ज। अब हम आज पढ़ेंगे मेथड ऑफ जनरेशन ऑफ चार्ज, नेक्स्ट टॉपिक मेथड ऑफ जनरेशन ऑफ चार्ज, हाउ चार्ज कैन बी जनरेटेड। सो देयर बेसिकली थ्री मेथड्स आर देयर, फर्स्ट फ्रिक्शन, अनदर नेम इज रबिंग, कंडक्शन एंड इंडक्शन, फ्रिक्शन कंडक्शन और इंडक्शन। पहली मेथड है फ्रिक्शन, इसमें हमारे पास इनिशियली बोथ न्यूट्रल, दो बॉडीज होती हैं ए और बी, दोनों पर कोई चार्ज नहीं होता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब इन दोनों बॉडी को आपस में रब किया जाता है तो किसी भी एक बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। हम यहाँ मानते हैं कि हमारे पास ए बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन बी पर चला गया, तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, और जिस पे आते हैं उस पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। तो जब हम दो बॉडीज़ को रब करते हैं तो उनके आखिरी वैलेंस सेल से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम पर पहुंच जाते हैं, और इस तरीके से जब ये कोई ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो उस पर बॉडी को हम बोलते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट। तो फ्रिक्शन के कारण हमारी बॉडी चार्ज हो जाती हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज जो क्या हैं कि सबसे पहले इनिशियली दोनों कैसे होते हैं, न्यूट्रल, दोनों बॉडी न्यूट्रल होती हैं, और आफ्टर चार्जिंग दोनों पर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। मतलब अगर इस पर प्लस वन है तो इस पर भी प्लस वन, प्लस टू तो प्लस टू, प्लस थ्री तो माइनस थ्री, प्लस वन तो माइनस वन, प्लस टू तो माइनस टू, प्लस थ्री तो माइनस थ्री, मतलब कि अमाउंट क्या होगा सेम। और पोलैरिटी जो होती है वो क्या होती है, अपोजिट, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस, दिस इज कंपल्सरी। फिर से इनिशियली बोथ आर न्यूट्रल, जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो क्या होगा, सेम, बट जो पोलैरिटी होगी वो क्या होगी, अपोजिट। अब देखते हैं दूसरा, कंडक्शन। कंडक्शन में इनिशियली जो हमारा होता है एक चार्ज ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा अनचार्ज ऑब्जेक्ट होता है, मतलब कि अब हम इसमें एक चार्ज ऑब्जेक्ट की हेल्प से अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज करेंगे। हम मान लेते हैं इनिशियली कि हमने जो चार्ज ऑब्जेक्ट लिया है वो कैसा लिया हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज लिया हुआ है। ए हमारे पास मैटर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम मान लेते हैं कि हमारे पास 10 कूलाम का इसमें चार्ज था, और बी जिस पर कोई चार्ज नहीं है। कंडक्शन में हमें करना क्या है कि हमें जो पहली बॉडी है उस बॉडी पे के कॉन्टैक्ट में दूसरी बॉडी को रखना भर है, या हमने कॉन्टैक्ट किया है, रब करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इस पर 10 कूलाम चार्ज था और इस पर 0 कूलाम चार्ज था, तो जब ये दोनों कॉन्टैक्ट में आती हैं तो इससे चार्ज इसमें पास होने लगता है। ये बिल्कुल वैसे ही प्रोसीजर है जैसा कि हमारे पास अगर एक टैंक है जिसमें 10 लीटर पानी है और दूसरा टैंक है जिसमें कोई भी पानी नहीं है, और अगर इन दोनों को एक नीचे से पाइप से जोड़ दिया जाए तो इसका पानी इसमें जाने लगेगा, और कब तक जाएगा, जब तक दोनों का लेवल क्या ना हो जाए, सेम। मतलब कि सेम कितना होगा, 10+0/2, मतलब कि 5 लीटर। तो सेम इसमें होता है कि ये चार्ज वहाँ से तब तक ट्रांसफ़र होता रहेगा, कंडक्ट करता रहेगा, जब तक कि दोनों पर सेम चार्ज ना आ जाए। मतलब अगर हमें 10 कूलाम और 0 कूलाम लिया हुआ है तो दोनों पर चार्ज आ जाएगा 5 कूलाम एंड 5 कूलाम, मतलब कि जितना चार्ज ए पर आएगा अमाउंट ऑफ चार्ज, उतना ही चार्ज अमाउंट बी पर आएगा, और इसमें पोलैरिटी भी सेम रहेगी, मतलब कि अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर से देखते हैं कंडक्शन में इनिशियली क्या होगा, एक चार्ज ऑब्जेक्ट होगा, एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट होगा। चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में लाना है, और चार्जिंग के बाद दोनों का अमाउंट, अगर 5 यहाँ है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7, और पोलैरिटी भी पॉजिटिव तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव तो नेगेटिव। जरा दोनों को हम एक बार कंपेयर करके देख लें, यहाँ इनिशियली बोथ आर अनचार्ज, यहाँ एक चार्ज एक अनचार्ज।
अमाउंट की बात करें, मतलब मैग्नीट्यूड की बात करें, तो यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, बट पोलारिटी यहाँ अपोजिट है, यहाँ पोलारिटी सेम है। तीसरा देखते हैं इंडक्शन। मीनिंग ऑफ इंडक्शन इज प्रेरण, एक किसी से प्रेरणा लेना, किसी से वो देख कर हमें वो चीज़ आ जाना। यहाँ भी हमारे पास इनिशियली होंगे वन, वन इज चार्ज एंड वन इज अनचार्ज। अगर हमारे पास हमने बॉडी मान ली है ए, ये कि चार्ज है, और बॉडी बी जो कि अनचार्ज है, तो यहाँ दूसरों दोनों को टच नहीं कराना है। आप देखें पहले में हमने दोनों को टच कराया था और रब कराया था, दूसरे में केवल टच कराया था, यहाँ टच कराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ चार्जिंग के बाद जो होगा वो देख लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे होता है वो हम देखते हैं। यहाँ चार्जिंग के बाद दोनों पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा वो सेम नहीं होगा और ना ही पोलारिटी सेम होगी। फिर से यहाँ देखें, दोनों अनचार्ज, एक चार्ज अनचार्ज, एक चार्ज एक अनचार्ज, दोनों में अमाउंट सेम, अमाउंट सेम बट नॉट सेम, पोलारिटी अपोजिट, पोलारिटी सेम, पोलारिटी अपोजिट। अब इंडक्शन होता कैसे है वो देखते हैं। इसमें हम मानते हैं कि हमारे पास एक रॉड है ए, जिसमें टोटली ये चार्ज है पॉजिटिव से, एक बॉडी है जिसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज है। एक बी है जिसमें न्यूट्रल है, मतलब कि जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। अब जब हम इसको इसके करीब लेके आएंगे, इसके डोमेन की रेंज में लेके आएंगे बी को ए के, तो होगा यूं कि जो बी का अपोजिट चार्ज होगा, मतलब अगर ए पर प्लस है तो बी का कौन सा माइनस वाला, ये बी का जो माइनस वाला चार्ज है ये थोड़ा सा इसकी ओर आकर्षित होने लगेगा, लेकिन अभी भी ये बाउंडेड है। ऐसे ही थोड़ा सा और इसको पास लेके आएंगे, बी को थोड़ा और पास लेके आएंगे तो हम केवल बी बना रहे हैं, तो बी कुछ इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन अभी भी ये बाउंड है। थोड़ा और पास लेके आएंगे तो ये इस साइड माइनस आ जाएगा और इस साइड प्लस आ जाएगा, मैं ये केवल बी बना रहा हूँ। अब अगले स्टेप में हम इसको ग्राउंडेड कर देते हैं, ग्राउंडेड करना मतलब अर्थ से जोड़ना, तो देखेंगे कि इसका ये वाला जो चार्ज है वो पूरा कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में। तो अब इसके पास क्या बचेगा, केवल ये बी, लेकिन ये भी अभी केवल एक साइड है, पूरे में नहीं फैला हुआ है, क्योंकि यहाँ कौन है, यहाँ ए बैठा हुआ है जो कि इसको बांध के रखा हुआ है। अब हम ए को हटा लेते हैं, अब जैसे ही ए को हटाएंगे तो हम देखेंगे कि बी जो है, बी में टोटली ये जो माइनस अकेले अकेले था, ये अब यहाँ कोई बांधने वाला नहीं है, तो पूरा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो बी भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। फिर से देखते हैं इसको, पहले केस में ए पर पूरा चार्ज था पॉजिटिव, बी पे कोई चार्ज नहीं था, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन एक साथ थे, जब इनको पास लेके आए तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इस साइड हो गए अट्रैक्शन प्रॉपर्टी के कारण, प्रोटॉन इस साइड रिपल्शन के कारण, और पास लेके आए तो प्रोटॉन और दूर भाग गए, इलेक्ट्रॉन और पास आ गए, थोड़ा और लेके आए तो ये बिल्कुल सेपरेट हो गए, लेकिन अभी भी उसी में हैं, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमने इसको क्या अगले स्टेप में ग्राउंडेड कर दिया, तो यहाँ केवल क्या बचा, इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी पूरे में नहीं फैले हुए, इस साइड हुए हैं, इस साइड क्यों हैं, क्योंकि ये इसको बांधे हुआ है ए, हमने ए को हटा दिया तो क्या हो गया, ये भी पूरा चार्ज हो गया। तो इस तरीके से तीन मेथड होती हैं, फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन।